देखिए, जय हिंद जय भारत। अब हम आप लोग से बातचीत करने जा रहे हैं अमेरिका, अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका ये देश है, इसका सबसे बड़ा धंधा क्या है? तो देखिए, अमेरिका ये जो अमेरिका जो देश है, यूएसए, जिसका पूरे दुनिया में नाम है, इसका सच्चाई हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं। तो अमेरिका ये देश है, ये दुनिया का सबसे नंबर एक हथियारों का सौदागर है। दुनिया में सबसे बड़ा ये हथियारों का दुकान कौन है? अमेरिका। तो ये अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। अमेरिका दुनिया का, यानी कि हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर दुनिया का देश है कौन है? अमेरिका है। तो अभी है ना, सो इसको अमेरिका को है ना, एक तरह से है ना, सो है ना, सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण कहाँ होता है? अमेरिका में ही। और ये इसको है ना, सो एक तरह से अमेरिका है ना, सो दुनिया का सबसे बड़ा है ना, सो हथियारों का दुकानी कहा जाता है। दुनिया, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है? अमेरिका। तो है ना, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दुनिया है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश है कौन? अमेरिका, अमेरिका है। और इसको हथियारों का एक तरह से दुकान ही कहा जाता है। इसका ये है ना, सो अलग अलग देशों को है ना, दुनिया में अनेक देशों को हथियार बेचने का इसका काम है। सबसे बड़ा धंधा अमेरिका का कौन है? हथियार बेचना। यानी कि यह ना धंधा है पर गंदा है, जो है ना आप है ना गाना सुने हैं है ना, सो ये कंपनी फिल्म था, उसका गाना था धंधा है पर गंदा है। तो वही है ना, ये अमेरिका का हाल है, ये पूरा धंधा है या गंदा है। ये है ना, सो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का है ना सप्लायर कौन है? अमेरिका है। अनेक देशों को हथियार बेचता है तो कौन? अमेरिका है। और है ना, सो अनेक देशों की सेनाओं को भी, मिलिट्री को भी है ना, सो ये हथियार सप्लाई करने का कहाँ से होता है? अमेरिका से होता है। यही नहीं, पूरे अमेरिका का ये लॉबी है, वहाँ का है ना, सो गन लॉबी या अमेरिकन है ना, सो ये आर्म्स लॉबी है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आतंकवाद, युद्ध ये सब चलता रहे, ताकि उसका हथियार बिकता रहे। अब है ना, सो ईरान इराक में युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध के कारण युद्ध हुआ, और दोनों में कौन युद्ध करवाया? अमेरिका। अमेरिका के कहने पर सद्दाम हुसैन है ना, सो ईरान पर है ना, सो हमला किया, फिर दोनों देश में है ना, सो युद्ध हुआ, और फिर दोनों देश को हथियार बेचा। तो ये है ना कि ये अमेरिका का पूरा लॉबी है, वहाँ का हथियार या है ना, सो नेशनल है ना, सो उसका ये लॉबी है कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं है ना युद्ध चला चले, मार काट चले, खून खराबा, गोलीबारी चले, आतंकवाद चले, ना उसमें जो भी हथियार का जो उपयोग हो, सब अमेरिका उसको सप्लाई करे। तो ये वजह से है ना, दुनिया का ये अमेरिका है ना, सो दुनिया का नंबर एक जो बोलता है पाकिस्तान आतंकवादी देश है। असल में क्या है, दुनिया में जितना भी हथियार, अमेरिका है ना, सो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। ये दुनिया का है ना, असल में सबसे बड़ा आतंकवादी देश कौन है? तो ये अमेरिका है। अमेरिका, वहाँ का गन लॉबी ऐसा है कि वहाँ पर है ना, सो वहाँ का जो है ना, सो आप देखिए अमेरिका में है ना, सो गन लॉबी क्या है कि वहाँ का जो है ना नेशनल राइफल्स एसोसिएशन है, तो उसका सदस्य कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति जो थे है ना, जॉर्ज बुश सीनियर, उस अमेरिकन राइफल एसोसिएशन के सदस्य रह चुके हैं। और यही नहीं, वहाँ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन वहाँ हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपया अमेरिकन गन लॉबी पर ही खर्च करता है। और वहाँ पर ना सम्मेलन ये सब होता है ना, वहाँ पर जो ये गन लॉबी सब का जो है ना, वहाँ का राइफल एसोसिएशन ये सब है जो सम्मेलन ये सब करता है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वहाँ के अनेक राज्य के जो गवर्नर ये सब होते हैं, स्टेट अमेरिका में लगभग 50 स्टेट है, तो उसके जो गवर्नर ये सब है सबको बतौर चीफ गेस्ट है ना, सो है ना, सो है ना, सो है ना, सो आमंत्रित किया जाता है। तो क्या ये जो है ना गन लॉबी ये सब, गन कल्चर जो है, जो वहाँ पर जो सम्मेलन ये सब करता है, उसमें बतौर चीफ गेस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति या वहाँ के जो स्टेट है उसके गवर्नर, ये सबको आमंत्रित करता है। तो देखिए वहाँ का कितना भी राष्ट्रपति सब है, ये सब का फोटो देखिएगा ना, तो आप देखिएगा कि वहाँ का डोनाल्ड ट्रंप है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, या अनेक राष्ट्रपति बंदूक के साथ फोटो भी खिंचवाता है, और ये गन कल्चर को ग्लोरीफाई करता है ना, यानी कि हथियारों को वो सब है ना सो का महिमा मंडन है ना कहाँ होता है? अमेरिका में। और ये पूरे अमेरिका में भी खुल्लम खुल्ला है ना हथियार बेचता है, कोई भी है ना अमेरिका में जाके सीधे जैसे परचून की दुकान पर है ना हथियार, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में खरीदता है सामान खिलौना, उस तरह अमेरिका में है ना सो कोई भी जाके बंदूक खरीद सकता है। ये अमेरिका पूरे दुनिया में भी हथियार बेचता है। और इसका मेन यही है, वहाँ का ये हथियार का लॉबी ये सब ये है कि है ना सो हर जगह है ना सो मारकाट हो, खून खराब हो, आतंकवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, आई सब को पूरे दुनिया में पूरे अनेक देशों की सेनाओं को है ना सो ये हथियार बेचे और उससे मोटी कमाई करके अपना इकोनॉमी मजबूत करे। तो ये क्या है कि ये पूरा जो है आपको हम बताने जा रहे हैं कि अमेरिका का आबादी 33 करोड़ आबादी है, और ये 33 करोड़ आबादी किसका? अमेरिका का है, और वहाँ लगभग 40 करोड़ बंदूक है ना। तो देखिए 33 करोड़ आबादी पर 40 करोड़ बंदूक है। भारत में है ना
क्या 140 करोड़ आबादी है, यहाँ मात्र 7 करोड़ बंदूक है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा ये अमेरिका क्या है, पूरा आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है, पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा कौन है, अमेरिका है। ये अमेरिका का सेना जहाँ जहाँ गया वहाँ लात जूता खाया, इराक में गया वहाँ भी मैंने लात जूता खा के भगा दिया, अफगानिस्तान में जो अमेरिका बोलता है कि हम दुनिया का सबसे बड़े सुपर पावर है और दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा सेना और सबसे बड़ा सेना इसी के पास है, ये अफगानिस्तान का अनपढ़ गवार तालिबान सब इसको जूता चप्पल मार के भगा दिया है। तो ये क्या है, ये जो बोलता है कि हम दुनिया का सबसे बड़े सेना है, टेक्नोलॉजी है, सब इसका फ्लॉप हो गया और इसको है ना खाली हथियार बेच के है ना सो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के चक्कर में है। तो इसके पीछे वहाँ का गन लॉबी है, ये सब है, वहाँ का जितना भी है ना सो राष्ट्रपति नेता पार्लियामेंट में बैठा हुआ सांसद ये सब सब क्या है, गन लॉबी के पीछे है ना एकदम नतमस्तक हो चुका है और इसको गन कल्चर को वहाँ ग्लोरीफाई करता है। अमेरिका का भी और भी हाल बुरा है, कोई भी आदमी वहाँ पर जाके जैसे खिलौना खरीदता वैसे बंदूक सामान, जैसे यहाँ कोई सामान खरीदता है उसी तरह जाकर कोई बंदूक खरीद देता है, वहाँ हर 100 लोग का हत्या हो जाता है बंदूक के कारण, 250 लोग है ना घायल हो जाता है, कितना तो लोग बंदूक से सुसाइडी कर रहा है आ रहा ना सो वहाँ से बंदूक खरीद के क्या करता है, वहाँ पर लूटपाट सरेआम लूटपाट हो रहा है। तो ये देखिए अमेरिका का क्या, असल में अमेरिका का जो है ना हर रोज कहा ये पूरा रिपोर्ट है कि हर रोज लगभग 100 लोग है ना वहाँ पर बंदूक की गोली से रोज मर रहा है। ऐसा स्थिति पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी इतना खराब स्थिति नहीं है। तो ये दुनिया का सबसे आतंकवादी देश कहना इसको गलत नहीं होगा, पूरे दुनिया में हथियार बेचता है, आतंकवाद फैलाता है और है ना ये गन कल्चर इसका तो है ना एकदम है ना सो ये है ही, खाली अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये है ना सो पूरा गन कल्चर फैलाया हुआ है।